मैं मुकेश मालविया, यहाँ कथा का आयोजन किया जा रहा है और सबसे बड़ा इसमें युवाओं के ऊपर काम किया जा रहा है। आज जरूरत भारत माँ को ऐसे वीर जवानों की जो परंपरा निभा सके, फिर इस धरती पर बलिदानों की, और ये बलिदानों की जो अलग जगह रहे, जो श्री रामचंद्र जी ने जगाई थी और वही घर घर अलग हमारे शास्त्री जी जगा रहे हैं, पूज्य शास्त्री जी जगा रहे हैं, गुरुदेव जगा रहे हैं और हर युवा में एक जोश भर रहे हैं कि हमारी संस्कृति को बचाना है। और आज हमारी संस्कृति कराह रही है, उसको यदि बाहर निकालना है तो हमारे युवाओं को जागना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने जो हमको सनातन धर्म दिया था उसको आज हम भूल चुके हैं, और उसको भूल गए तो उससे हमको कैसे बाहर आना है। तो उसके लिए वो ये राम कथा हमारे जीवन में उतारना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कण कण में राम है और मन मन में हनुमान है, जहाँ पे हनुमान, क्योंकि राम से ज़्यादा हनुमान के मंदिर यहाँ पे मौजूद है और यही हम देखने के लिए। और ये जो कथा चल रही है 5 तारीख से 11 तारीख से होने जा रही है, उसमें स्वयं गुरुदेव इतना प्रबल करने जा रहे हैं, युवाओं को विशेष करके जानकारी देने जा रहे हैं। और जो 7 और 8 तारीख को दिव्य दरबार हो रहा है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को इसलिए आह्वान है क्योंकि इसमें वो चीज़ को दिखाएंगे कि वास्तव में हमारी अध्यात्म शक्ति क्या है। आज हम आधुनिकता के साथ में विज्ञान को लेकर चल रहे हैं, लेकिन कहा जाता है ये कि विज्ञान यदि चलना चाहता है तो पहले अध्यात्म चले और उसके बाद में विज्ञान चले, तब वो समन्वय होता चला जाएगा और देव संस्कृति आसमान छूते हुए हिमालय के उस कंदराओं में दिखाई देने लग जाएगी हर बच्चे में, और हर बच्चे में राम, हर बच्चे हर सीता में। चंदन सी इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम हो, हर नारी देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम हो, ऐसा श्री राम का उद्घोष चारों तरफ गुंजायमान हो, चारों पृथ्वी मंडल पे, और हर व्यक्ति सनातन को जाने और पहचाने और समझे। यहाँ पर पहले भी कथाएं हुई हैं और अंत और कथा में क्या फर्क देखने को मिला? उसमें और इनमें ये फर्क मिला कि क्योंकि ये खुद एक युवा है और युवाओं को युवा खींचता कहते हैं, बोलते ना, तो युवाओं को युवा खींचने के पीछे कहते हैं युवा का दूसरा रूप वायु होता है, हवा होता है, और हवा का स्वरूप होता है हनुमान जी, और जो हनुमान जी है वो पवन पुत्र हनुमान जी है, और जो पवन पुत्र हनुमान जी और उनको लेकर के जो चल रहा हो तो क्या ध्वजा चारों दिशाओं में नहीं लहराएगी, पूरे विश्व में लहराएगी, ये हमारा भारत सत्संग है। पूरा ये जो हमारा जो रेशम बाग है भगवा से लहरा रहा है, चारों तरफ एक ही दिखाई दे रही है, वो क्या दिखाई दे रही है, वो दिखाई दे रहे हैं। इस चोले को पहन भगत सिंह झूला फांसी पर, इस चोले का रंग खिलाता रानी झांसी पर, इस चोले को पहन भगत सिंह झूला फांसी पर, यही चोला पहना था जब भगवान भगत सिंह इस फांसी पे चढ़े थे, और यही चोला जब झांसी की रानी ने पहना था तो पूरे विश्व पूरे भारत वर्ष में उन्होंने अपनी एक चीज को लहरा दिया था, वो थी हमारी संस्कृति को, और वही संस्कृति में उन्होंने बोला था कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी, और अंग्रेजों के गुलामों से उन्हें निकाली। और जो हमारे दूसरे लोग जो बता रहे हैं वो एक चीज़ बता रहे हैं, वो हमारे को धर्म के बारे में बता रहे हैं, लेकिन ये हमारी संस्कृति को साथ में हमारे युवाओं को, जो आज हमारा युवा व्यसनों में फस्त होता चला जा रहा है, आज हमारी छोटी सी पीढ़ी जो है व्यसन में धस्ती चली जा रही है, इनको उभारने का काम कर रही है हमारे आचार्य जी। युवाओं को लेकर के यही कहूँगा, एक ही चीज कहूँगा, वो ये कहूँगा, पाश्चात्य संस्कृति से अब तो मिलकर युद्ध करो, बात वेशभूषा तक रहती तो चुप रह जाते, खान पान से भी बच जाते किंतु न टकराते, लेकिन आद दुष्चरित्रता हद तक बढ़ाई, कर लेना बर्दाश्त से तो अतिशय दुखदाई, विष पर कर मर जाना अच्छा मन न अशुद्ध करो, पाश्चात्य संस्कृति से मिलकर
आज मिलकर युद्ध करना है और वो युद्ध करने के लिए हमारे युवाओं को आगे आना पड़ेगा, क्योंकि आज धरा एक ही चीज बोल रही है, आज युग पुकारता जाग नौजवान रे, मोर्चे संभाल रे संभाल तू कमार रे, दुर्दशा ग्रसित समाज हाय छटपटा रहा, मृत्यु भोज हो रहे जल रही है बेटियां, क्या नहीं रहा जवान खून में उफान रे, जाग वीर जवान रे। आज युग को, आज वो युवा को जगना पड़ेगा और अपनी बुरी संस्कृति जो आज वो व्यसन में है उससे उसको बाहर आना पड़ेगा, तब वो हमारी आने वाली पीढ़ी को कुछ दे पाएगा, क्योंकि आज का युवा कल का आने वाला पिता होगा और वो आने वाली जो पीढ़ी होगी उसको वो क्या देगा, पाश्चात्य संस्कृति व्यसन क्या देगा वो, उसको बताने के लिए तो वो पुत्र ये ना कहे कि पिताजी तुमने हमारे लिए क्या किया। यही मैं एक संदेश देना चाहूँगा युवाओं को कि आज की संस्कृति हमारे धर्म के हमारे संस्कारों को समझे और हमारे संस्कार को समझ करके उसके ऊपर कार्य करे, तो उसका वास्तव में अपनी आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि मेरे पिता ने मेरे को किस प्रकार से जोड़ दिया। जैसे कि जब हम गुलामी की जंजीर में थे और गुलामी की जंजीर में जो हमारे सैन्य हमारे पूर्वजों ने हमारे बड़ों ने युद्ध लड़ा था, तो आज वो स्वतंत्रता सेनानी बने और उनकी पूरी पीढ़ी आज उसका लाभ उठा रही है, और आज वही पीढ़ी जब लाभ उठा रही है तो क्या हम अपने बच्चों को ऐसा कोई संस्कार दे सकते हैं, ये प्रश्न है हमारे युवाओं के लिए। युवाओं का सबसे बड़ा काम उनका यही है, युवाओं के साथ में संस्कृति को घर घर फैलाना।